जीवर तो कैसे हैं आप सब तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी आलू पालक आलू पालक की बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आई हूं तो उसके लिए सबसे पहले मैं ये पालक लूँगी और ये बिल्कुल साफ़ सुथरी है इसे मुझे धोने की जरूरत नहीं है बस मैं इसे छोटे छोटे शेप में इसे काट लूँगी फीवर्स तो मैंने आलू पालक बनाने के लिए सबसे पहले ये पालक को काट लिया है और फिर ये आलू साथ में काट लिए हैं इस शेप के आलू आपने काटने हैं ये देखें और साथ में ये इसके लिए एक अदद प्याज होगा और साथ में ये अदरक लहसुन का पेस्ट है ये तीन अदर टमाटर हैं और साथ में तीन हरी मिर्च हैं इसी तरह जीरा होगा जीरा साबित लेना है हमने हल्दी मिर्च नमक और सूखा धनिया हमने का पाउडर लेना है सूखा धनिया पाउडर लेना है और दो मैंने ली है तड़का लगाने के लिए गोल लाल मिर्च तो जी इसे बनाने के लिए मैं लूँगी पैन पैन में डालूँगी ऑयल और ऑयल डालने के बाद फिर मैं इसमें डालूँगी प्याज जो मैंने काटा था तो जी ये मैं प्याज डाल रही हूँ इसमें और इसे मैं फिर कर लूँगी गोल्डन ब्राउन इस प्याज को तो जी इसे मैं फ्राई करूँगी और आप देख रहे हैं फ्राई हो रहा है तो जी वीवर्स ये देखें इसका कलर चेंज हो गया है हमने इसका कलर चेंज करने तक इसे इसी तरह फ्राई करना है और जैसे ही ये इस कलर में आ जाएगा तो इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो मैंने दिखाया था आपको अदरक लहसन का पेस्ट तो अदरक लहसन का पेस्ट मैं इसमें ऐड कर दूंगी उसे मिक्स कर लूँगी तो इसे इसका भी कलर चेंज करना है तो इसका भी थोड़ा सा जैसे ही कलर चेंज हो जाएगा तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगी ज़ीरा तो आप देख रहे हैं मैं अलग अलग हर चीज़ डाल रही हूँ क्योंकि अलग अलग हर चीज़ डालने का फ़ायदा यह है कि वो हर चीज़ की अपनी जो जायका होता है वो फिर अच्छा लगता है वो साथ में किसी भी दूसरे मसाले में मिक्स नहीं होता तो इसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी तो जी आप देख रहे हैं टमाटर ऐड कर दिए हैं और टमाटर तो टमाटर को मैं इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और ये आप देख रहे हैं मैं इसे साथ साथ मसाले में मिक्स कर रही हूँ ताकि इसमें सारे दूसरे मसालों का जायका भी आ जाए और फिर मैं इसमें जो गोल मिर्चें मैंने दिखाई थी वो दो गोल मिर्ची मैंने डाली हैं अब इसे भी साथ में मिक्स कर दूंगी सब मसालों को इकट्ठे नहीं डालना फिर वो जायका नहीं रहता उसका तो हाँ जी यहाँ पे यहाँ पे मैं इसे टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए सिर्फ थोड़ा सा पानी डालूंगी सिर्फ थोड़ा सा पानी मैंने सिर्फ टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए डालना है इसके अलावा मैंने सब्ज़ी में पानी बिल्कुल नहीं डालना सिर्फ टमाटर को थोड़ा सा सॉफ़्ट करने के लिए मैं डालूंगी और उसके ऊपर मैं इसे कवर में दे इसे बंद कर दूँगी ताकि ये फिर ज़रा सा सॉफ्ट हो जाए तो जी ये देखिए फिर ये सॉफ़्ट हो गया और कवर का पानी बाकी मैंने इसके अंदर डाल दिया है मुझे मज़ीद पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है सब्ज़ी तो को जितना कम पानी लगाएंगे उतना ही बेहतर है ये इस, इसके बाद मैं इसमें पालक ऐड कर दूँगी और पालक में सारी इसमें ऐड करके पालक में इस मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ये देखें ये मैं सारे मसाले को इसके साथ में मिक्स मिक्स कर रही हूँ ताकि मसालों का ज़ायका पालक में आ जाए और जी ये देखिए मैं अच्छी तरह से उसे कर दिया है इसके बाद मैं इसमें तो नमक मिर्च हल्दी और साथ में जो मैंने सूखे धनिया का पाउडर लिया था वो साथ में ऐड कर दिया है तो ये चारों चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं तो अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ और देखें जी इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और ये देखिए मैंने थोड़ा सा बस इसे करना है इसके बाद इसमें मैंने आलू साथ में ही डाल देने हैं ज़्यादा इसे मैंने नहीं करना है इसमें ये बुनूँ मैं बहुत देर तक बस थोड़ा सा पाँच से दस मिनट इन मसालों में भूनना है आपने और फिर इसमें साथ में ही मैंने आलू भी ऐड कर दिए हैं तो जी आलूओं को भी इन सब में मिक्स कर लूँगी मैं फिर अच्छी तरह से देख रहे हैं मैं इसे मिक्स करूँगी इन सब मसालों को तो मैंने मिक्स करने के बाद इसमें तीन हरी मिर्च डाल के इसे मैंने दम पे रख दिया है इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना ये कवर का जो पानी है इसी में ही इसे आपने दम के में थोड़े थोड़े वक्त के बाद देख लेना है और साथ में इसमें चम्मच ला लेना है लेकिन इसमें पानी बिल्कुल नहीं छोड़ना क्योंकि पालक अपना पानी खुद ही छोड़ देती है और साथ में जो टमाटर डाले हैं उसका भी पानी इतना होता है कि वो उसी दम में पक जाएगी लेकिन इसे लो फ्लेम पर आपने पकाना है जब दम पे रखना है उसमें आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे कर देना है इसे तो जी अब इसमें मैं इसका अगर चेक करती हूँ तो वो गल गया है तो पालक हमारी रेडी है तो जी ये देखिए आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी बहुत ही ईजी रेसिपी है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अल्लाह हाफिज़